अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका होस्ट रिहान अहमद, मदीना मुनव्वरा से। आज हम आए हैं क़िबलतैन मस्जिद। तो चलें क़िबलतैन मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में मालूम करते हैं। अजान होगी, उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और जानकारी लेंगे क़िबलतैन की हिस्ट्री के बारे में। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। रूए जमी पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना। या तोइबा या तोइबा उम्मत का सफीना। ये देखें, उधर निसा एंट्रेंस है यानी लेडीज एंट्रेंस, और इस तरफ है रिजाल मेन एंट्रेंस। और ये देखें, बनी है मीनार, डोम और मीनार बनी है। देखें, यह है एंट्रेंस मस्जिद क़िबलतैन का। मस्जिद क़िबलतैन एक ख़ुसूसी मकाम है मुसलमानों के लिए। क़िबलतैन का माना होता है दो क़िबले। पहला क़िबला जो मस्जिद अक्सा की तरफ रुजू होता था, देखें इस तरफ होके नमाज पढ़ा करते थे, यही क़िबला है। मस्जिद का महराब जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, और नमाज के वक्त ही उनको वही आई, हज़रत जिब्राइल वही ले आए अल्लाह से कि कुबला जो है ना डायरेक्शन चेंज करके मक्के की तरफ रुजू करें। तो उसके बाद कुबला बना मक्के की तरफ, ये देखें। तो इधर दूसरा मेहराब बनाया। इस मस्जिद की खासियत ये है कि दो मेहराब होते हैं इस मस्जिद में, एक मस्जिद अक्सा की तरफ और दूसरा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, माशाल्लाह। तो ये देखिए, वो जो हिस्सा हम लोग जो बात कर रहे थे, मेहराब, ये देख रहे हैं आप, मेहराब ऊपर जो बना हुआ है उसी तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ रुजू होता है। ये देखें, शेल्स बनाए गए हैं कुरान शरीफ रखने। और इसकी मैट देखें कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह, मखमली। और देखिए मस्जिद में कुरान रखने के लिए शेल्फ्स। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर होता है मस्जिद का। इस यहाँ देखिए मिंबर, जो जुम्मा का खुतबा, इमाम जुम्मा का खुतबा देते हैं इसे। मस्जिद का मेहराब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी से बनाया है। और मिंबर को नज़दीक से देखें, ये जगह होती है इमामत की, जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं।
और ये देखें ऊपर कॉरिडोर का हिस्सा जो निशा औरतों के लिए होता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मोहम्मद भाई साहब क्या नाम क्या है आपका? शुहाब। मोहम्मद शुहाब। और क़िबलतैन में काम करते हैं आपका? हाँ, अच्छा माशाल्लाह, कितने साल से काम कर रहे हैं इस मस्जिद में? 6 साल हो गया। माशाल्लाह बहुत नसीब वाले हैं आप, नसीब हाँ, नसीब वालों को ऐसा काम मिलता है। कहाँ से हैं आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। माशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त, इंशाल्लाह 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 अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह। आफियत दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो जो भी मोतमरीन मदीना आते हैं जियारत के लिए तो इस मस्जिद की जियारत लाजिम है, लाजिम और ज़रूरी होती है। और ये देखें औकात अस्सलाह, नमाज के वक्त, औकात नमाज के, डिजिटल। मस्जिद को बहुत साफ सुथरी मेंटेन करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं और उनका नसीब नसीब बहुत मुकद्दर, बहुत अच्छा है। अल्लाह ने उन्हें कबूल किया है यहाँ पर काम करने मदीना में। और इस तरफ देखिए बालकनी में ये जो है ना एक्सटेंशन चल रहा है मस्जिद का, काम चल रहा है, एक्सपेंड हो रही है मस्जिद, बड़ी कर रहे हैं। चलें आगे जाके देखते हैं हम लोग। माशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। फिर से बता दूं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में हमें बताएं कि मदीने में किस जगह की ज़ियारत देखना चाहते हैं आप। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस ज़ियारत को आप तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम।